हाय दोस्तों, मेरा नाम निखिल है। आज मैं एक्चुअली आपको ना इस थ्राइव हेयर सीरम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये थ्राइव हेयर सीरम जितना मैंने यूज़ किया है अभी तक, मैंने इसका रिज़ल्ट देखा तो बहुत ही अच्छा है। मेरे पास हालांकि दो बोटलें हैं। एक पहले इनका कुछ तो और नाम था, अभी इनने अपना नाम 2.0 किया है, और उसमें इन्होंने रेडेंसल, एनाजिन, प्रोकापिल एंड कैपिला लोंगा, ये नाम के चार इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। ये बॉटल मैंने हाफ यूज़ किया हुआ है। मुझे भी थोड़ा हेयर फॉल का, थोड़ा तो ज़्यादा नहीं कह सकते, थोड़ा सा इशू था, बट जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तब से मैंने एक चीज़ देखा कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है। मतलब हेयर में, मतलब मैंने हेयर डेंसिटी को चेक किया, हेयर डेंसिटी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है इसको यूज़ करने में, और हेयर फॉल भी बहुत कम हो गया है। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी मैंने दूसरा प्रोडक्ट भी मंगवा के ला के रखा है इसको ऑलरेडी पहले से। एक थ्राइव कंपनी का है ये प्रोडक्ट, 50 ml की बॉटल आती है। हाँ, थोड़ा सा ये महंगा है ज़रूर, बट अगर आप अमेजन या फिर आप फ्लिपकार्ट से ख़रीदेंगे इसको तो ये आपको आई थिंक 1100-1200 के आसपास पड़ जाएगा, या फिर उससे भी हो सकता है 1000 rupees तक पड़ जाएगा। बट इसको आप यूज़ कीजिए, और एक बार इसके रिजल्ट्स जो हैं, मैं तो अपने खुद के रिजल्ट्स बताता हूँ कि 15 दिन तक मैं जब यूज़ कर रहा हूँ इसको, तो मैंने देखा कि हेयरफॉल बहुत कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। बहुत अच्छा चीज़ है, बट मैं अभी ये नहीं बोलता कि ये बहुत ही अच्छा है, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारे आइटम्स या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर या फिर कुछ हेयर ग्रोथ के लिए दावा करते हैं कि ये प्रोडक्ट आप लगाइए तो आपका इतने दिनों में 84 डेज़ में ही बाल आ जाएंगे, 84 डेज़ में आपका हेयर ग्रोथ हो जाएगा। बट हाँ, मैंने 15 दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने अपने लिए तो पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक कर दीजिएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं मैं आपको शेयर करूँगा।